पीड़ित परिवार जो हैं उनका भाई जैसा कि बता रहे थे कि जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां का जो प्रशासन है कुछ जो है वहां लापरवाही बरत रही है, तो आपके तरफ से सर क्या सहयोग रहेगा? वहां भी है, हमने बात किया है, जो सदानंद भोक्ता जी मिनिस्टर हुए वहां आरजेडी कोटे से हैं, उनके पीए से हमने बात किया है, उनको बृहस्पत को वहाँ बुलाया गया है, सारा काम वहाँ जो भी मदद होगा वहाँ थाना पर नियमानुसार। पीड़ित परिवार के साथ जो हमेशा आप खड़े रहेंगे, जहाँ तक होगा इनका सहयोग आप करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आए दिन ऐसा देखा जाता है कि सड़क दुर्घटनाएं जो है बहुत मात्रा में होती है, जिसके कारण जो है बहुत सारे परिवार जो है उजड़ जाता है, घर का चिराग जो है बुझ जाता है, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर नौजवान जो लड़का है, अभी 4 लाइन बन गया सड़क जी, इतना तेजी में लोग गाड़ी चलाता है और सरकारी जो नियम है, परिवहन विभाग का जो नियम है, वन वे है रूट, उसको छोड़ करके गलत दिशा में लोग गाड़ी चलाते हैं, जिसके चलते लगातार घटना इस तरह की घट रही है। तो हम यही तमाम नौजवान साथी दोस्त मेरे भाई हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि परिवहन का जो नियम है, जो कानून है, जो सिस्टम से चलाएँ गाड़ी, ताकि जीवन अनमोल होता है, बार बार नहीं मिलता है। अभी हम मौजूद हैं पकरी बरामा प्रखंड के बेलखुंडा गाँव में और इसी गांव के एक व्यक्ति की जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद देख सकते हैं इसी गांव में जो है सामाजिक कार्यकर्ता विनोद यादव जी पहुंचे हैं, साथ ही देख सकते हैं यहाँ कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यही जो है मासूम बच्चा है, इसके सर से जो है पिता का साया उड़ गया है, अब इसका देख रेख जो है करने वाला कोई है नहीं, ऐसे में देख सकते हैं विनोद यादव जी पहुँचे हैं और इनको जो है आर्थिक मदद किए हैं, और कहीं भी कुछ होता है विनोद यादव अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और घटनास्थल पर पहुँचते हैं और पीड़ित परिवार से मिलते हैं, उनको सांत्वना देते हैं और जहाँ तक होता है उनके सहयोग में हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे में देख सकते हैं हमारे साथ ये मासूम बच्चा है, हम इसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो बाबू तुम्हारा? प्रिंस कुमार। कितने भाई हो तुम? दो। दो भाई है, बहन कितना है? एक। दो भाई है और विनोद यादव जी के द्वारा तुमको जो आर्थिक मदद दिया गया है, क्या कहना चाहोगे तुम? आगे जो है पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करना है ना? और देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ जो है प्रिंस तमन्ना जी हैं, हम इनसे भी कुछ बात करेंगे। सर होनी का जो है तो हो गया, अब उसको जो है कोई लौटा नहीं सकता है, लेकिन इस पीड़ित परिवार से आप मिलने के लिए आए हैं, इनको जो है आप आर्थिक मदद किए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी संवेदना यात्रा के तहत लगातार प्रदेश के महासचिव और लोकसभा के भावी सांसद विनोद यादव जी लगातार जहाँ भी घटना घटती है जी, इनको सूचना मिलता है, फौरन दौड़े दौड़े चले आते हैं, और चूँकि गरीबों के बीच में, समाज के बीच में जी रहते हुए आए हैं, एक बड़ी घटना घट गई है, पिता का साया सर से उठ गया है, काफ़ी दुखद घटना है जी। इसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती है जी, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग, विनोद यादव जी हैं, भोली यादव जी हैं, दिनेश जी हैं, देखिए तमाम लोग, विनोद जी हैं, तमाम लोग हम लोग इनके साथ खड़े हैं दुख की घड़ी में, और जो भी मदद होगा, जिस तरह का भी मदद होगा, पढ़ाई में लिखाई में, इसकी कमी नहीं होने दी जाएगी, विनोद यादव जी ने कहा। और सबसे बड़ी बात और हकीकत सब तक के कैमरे पर प्रिंस तमन्ना जी बोले हैं कि बच्चा का जो है आगे भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो विनोद यादव जी हमेशा जो है इनके साथ खड़े रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में जो है इनका सहयोग करते रहेंगे। देख सकते हैं हमारे साथ विनोद यादव जी हैं, हम इनसे भी कुछ जानकारियाँ लेंगे। सर कहीं भी कुछ होता है तो आप जो है पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं और इसका परिणाम ऐसा होता है कि हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो लोगों में ऐसा एक तरह से होड़ मचा हुआ है कि भावी सांसद जो है हम विनोद यादव जी को ही देखना चाहते हैं, तो क्या करना चाहेंगे सर जनता को आप? आज दुखद घटना सुन के यहाँ आए हुए हैं, बेलखुंडा पंचायत भी हुआ और जिनकी मृत्यु हुई, उनके दो मासूम बच्चे हैं जी, और दोनों पढ़ाई अभी कर रहे हैं, दोनों को बताया गया है कि मन से अपना पढ़ाई करें और किसी तरह का कोई कठिनाई होगा, इनके चाचा को हमने अपना नंबर वगैरह सारा उपलब्ध करा दिया है जी, कि जिस समय आवश्यकता किसी तरह का कोई बात का होगा हमसे संपर्क करेंगे। सर पीड़ित परिवार जो हैं उनका भाई जैसा कि बता रहे थे कि जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां का जो प्रशासन है कुछ जो है वहां लापरवाही बरत रही है, तो आपके तरफ से सर क्या सहयोग रहेगा? वहां भी है, हमने बात किया है, जो सदानंद भोक्ता जी मिनिस्टर हुए वहाँ आरजेडी कोटे से हैं, उनके पीए से हमने बात किया है, उनको बृहस्पत को वहाँ बुलाया गया है, सारा काम वहाँ जो भी मदद होगा वहाँ थाना पर
नियमानुसार पीड़ित परिवार के साथ जो हमेशा आप खड़े रहेंगे, जहां तक होगा इनका सहयोग आप करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सड़क दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, हमारे साथ उनका बड़ा भाई है, हम इनसे कुछ बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा यादव। आप एक बड़ा भाई हैं और कहा जाता है कि बड़ा भाई जो होता है पिता समान होता है, और आपका छोटा भाई का तो देहांत हो गया है, और आपके जो देख सकते हैं उनके छोटे छोटे दो मासूम बच्चे हैं, इनका देख रेख जो है आप ही को करना है, और आपके सहयोग में जो है विनोद यादव जी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? करेंगे सहयोग दोनों बच्चा को। दोनों बच्चा को तो देख सकते हैं आर्थिक सहयोग भी किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए पीड़ित परिवार से मिलना वो अलग चीज़ है, पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहना वो अलग चीज़ है, और आपके देख सकते हैं इस छोटे मासूम को आर्थिक मदद किए हैं ताकि इस बच्चा का जो है आगे जो है बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई लिखाई जारी रहे, और आगे भी जो है मदद करने के लिए कहें कि कभी कोई दिक्कत होता है तो आगे भी हम मदद करते रहेंगे। ठीक है, बोले तो मदद करेंगे, है ना। सच्चा नेता वही होता है जो हमेशा जो है पीड़ित परिवार के सहयोग में जो है वही होता है, है ना। तो देख सकते हैं हमारे साथ कुछ यहाँ और भी लोग हैं, हम इनसे भी कुछ वार्तालाप करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेंद्र प्रसाद। आप कहाँ से हैं? बिलखुंडा से। बिलखुंडा से हैं। आपके गांव में जो है इस ऐसा जो बड़ा दुर्घटना हो गया था, आपके गांव में जो है विनोद यादव जी पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार के साथ जो है खड़े रहने का वादा किए हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया है। बहुत शुक्रिया है। बहुत शुक्रिया। आगे जो है चुनाव लड़ रहे हैं सांसद में, इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग मदद करेंगे जहाँ तक होगा। जहाँ तक होगा मदद करेंगे। हाँ, हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ कैमरामैन दिखाइएगा, इस गांव के भी और कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ भैया? परवेश कुमार। आप भी इसी गांव के हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? नवादा लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, सारे लोगों में जो है होड़ मचा हुआ है कि अभी जो है विनोद यादव जी को हम जिता देना है, इस पर क्या कहेंगे आप? फुल सपोर्ट रहेगा इनको, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे इनको, है ना। क्या कहेंगे भैया आप? हम लोग हमेशा रजवल्लभ यादव को ही वोट देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे और इस बार भी दोगे। हमारे साथ देख सकते हैं भोली यादव जी भी हैं, हम इनसे भी कुछ बात करेंगे। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे आप? विनोद बाबू बोले हैं इनका सब दुख सुख के साथ देंगे, है ना, और हमेशा मतलब आगे भविष्य में भी विनोद बाबू मतलब मदद बच्चे लोग के करते रहेंगे पढ़ाई लिखाई में। हमारे साथ देख सकते हैं प्रिंस तमन्ना जी हैं, हम इनसे भी कुछ बात करेंगे। सर, आए दिन ऐसा देखा जाता है कि सड़क दुर्घटनाएं जो है बहुत मात्रा में होती है, जिसके कारण जो है बहुत सारे परिवार जो है उजड़ जाता है, घर का चिराग जो है बुझ जाता है, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर नौजवान जो लड़का है अभी जी। अभी 4 लाइन बन गया सड़क जी, इतना तेज़ी में लोग गाड़ी चलाता है, और सरकारी जो नियम है परिवहन विभाग का जो नियम है वन वे है रूट, उसको छोड़ करके गलत दिशा में लोग गाड़ी चलाते हैं, जिसके चलते लगातार घटना इस तरह की घट रही है। तो हम यही तमाम नौजवान साथी दोस्त मेरे भाई हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि परिवहन का जो नियम है, जो कानून है, जो सिस्टम से चलाएँ गाड़ी, ताकि जीवन अनमोल होता है, बार बार नहीं मिलता है। आप तो चले गए लेकिन पीछे देख लीजिए, सुदामा जी चले गए, लाइबिलिटी जिम्मेदारी छोड़ के चले गए, छोटे छोटे अब इनके भविष्य का खतरा है, इनका पढ़ाई लिखाई दवा दारू इलाज। तो जिला के सर्वमान्य नेता आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद यादव जी हैं, विभा देवी यहाँ की विधायिका है, नवादा की MLC हैं अशोक जी। तो जैसे ही पता चला विनोद यादव जी हैं, तो जो भी जहाँ तक बन पड़ेगा विनोद यादव जी इनके साथ हैं, और तमाम लोग हम लोग सब जिला के लोग सब इनके साथ हैं, कदम से कदम मिला के इस दुख के घड़ी में, और जीवन अनमोल होता है, बार बार नहीं मिलता है, सरकारी नियम का पालन करें और उसको देखते हुए गाड़ी चलाएं जी। बिल्कुल, आप देख रहे थे हकीकत सब तक, और हमारा भी ये संदेश रहेगा कि आप लोग जब भी रोड पर चलते हैं तो यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें, सीट बेल्ट का उपयोग करें, जहाँ तक संभव होता है बिल्कुल अपने जो है कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। बाकी आप देख रहे थे हकीकत सब तक। धन्यवाद। जय हिंद।